माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आप मेरा स्टेटस देख के पहचान गया होगा कि आज क्या बनने वाला है। तो जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में इडली, वो भी कलरफुल इडली बनाने वाली हूँ। और जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बैटर को ले लिया है और उसको तीन पार्ट में मैंने सेपरेट कर लिया है। गाइज, ये 1 किलो बैटर है। फर्स्ट बॉल में मैं मिलाऊंगी ग्रीन कलर और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। तो पहला रेडी हो गया है। अब मैं सेकंड मिलाने जा रही हूँ और ये ऑरेंज कलर है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फाइनली ऑरेंज कलर भी मिक्स हो गया है। तो ये हमारे तीनों कलर रेडी है। अब हम इडली के सांचे को ऑयल लगाने के लिए, तो ये सांचा है, इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से इसको लगा लेंगे ताकि हमारी इडली जो है वो चिपके ना और स्मूथली जब पकने के बाद वो निकल जाए। तो ऑयल पूरी प्लेट में लग गया है। अब हम ट्रांसफ़र करते हैं बैटर को। तो ये तिरंगा कलर का बैटर है। चलिए, तो फर्स्ट हम डालेंगे ऑरेंज कलर, सेकेंड में हम डालेंगे वाइट बैटर जो अपना नॉर्मली है, और अब थर्ड में डालेंगे ग्रीन बैटर। गाइस, तो ये हमारा जो बैटर है हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये इडली कुकर में और इसको हम 10 मिनट तक वेट करते हैं। सो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत से इडली बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो फाइनली हमारी जो तिरंगा कलर की इडली है वो बनके रेडी है गाइस। आप से देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो चलो प्लेटर करते हैं। 5 minutes later. तो गाइस, फाइनली हमारी आज की तिरंगा कलर की इडली बनके रेडी है। आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही है, और यकीन मानिए ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही यम्मी एंड टेस्टी है। ये सबसे इजी रेसिपी है गाइस और हर घर में बनती है। आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा गाइस।